तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। आज 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने श्रीनगर के SKICC में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। इस वर्ष का आयोजन युवा मन और तन पर योग के गहरे प्रभाव को रेखांकित के लिए समर्पित था। इस समारोह का उद्देश्य योगाभ्यास में हजारों लोगों को एकजुट करना, वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य और सेहत को बढ़ावा देना था। इस वर्ष की थीम योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी है। इसके माध्यम से व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने को रेखांकित किया जाता है। प्रधानमंत्री ने आज धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की धरती पर योग कर विश्व को एक बड़ा संदेश दिया। इससे पहले कल उन्होंने 1500 करोड़ रुपए की 84 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं, जिसके मद्देनजर जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर से लेकर कश्मीर के उड़ी तक नाकेबंदी की गई है। खासकर राष्ट्रीय राजमार्ग, सैन्य प्रतिष्ठानों और अल्पसंख्यक इलाकों में कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं ताकि कोई भी घटना न हो। पीएम मोदी के दौरे को लेकर पुलिस और खुफिया एजेंसियों के बड़े अधिकारी कश्मीर में कैंप कर रहे हैं, जबकि जम्मू संभाग के राजौरी, पुंछ, रियासी, उधमपुर, सांबा और कठुआ में भी अलर्ट किया गया है। खासकर लखनपुर बॉर्डर से लेकर पुंछ तक BSF सेना को सचेत रहने के लिए कहा गया है ताकि कहीं पर कोई घुसपैठ या आतंकी हमला ना हो। योग दिवस पर PDP चीफ महबूबा मुफ्ती का एक विवादित बयान सामने आया है। महबूबा ने कहा कि इस जश्न ने लोगों के भीतर भय को इजाद कर दिया है। एक्सेंडल से महबूबा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से एक दिन पहले सभी सरकारी कर्मचारियों को स्कूली बच्चों के साथ कल असमय विभिन्न जगहों पर मौजूद होने के आदेश दिए गए हैं। यहां तक कि गर्भवती कर्मचारियों को भी नहीं बख्शा गया है। गर्भवती कर्मचारी को अपनी नौकरी या कार्यक्रम में उपस्थित होने के बीच चयन करने की भी धमकी दी गई। महबूबा मुफ्ती ने राजा मुजफ्फर बट के एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए यह बात कही, जिसके बाद महबूबा की इस पोस्ट पर विवाद छिड़ गया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज 2 दिवसीय भारत दौरे पर आएंगी। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर यहां आ रही हैं। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक अपनी यात्रा के दौरान हसीना पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिलने वाली है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी हसीना से मिलने का कार्यक्रम है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत ट्रेन के जरिए कश्मीर जाने वालों का सपना पूरा होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। यह सपना धीरे धीरे वास्तविकता की ओर करीब आता जा रहा है। गुरुवार को संगलदान से रियासी के लिए 10 डिब्बों वाली रेलगाड़ी का ट्रायल किया गया, जो कि पूरी तरह से सफल रहा। इस दौरान ट्रेन दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे पुल से होकर भी गुजरी। यह पुल एफिल टावर से भी ऊंचा है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम में टैक्सी चालकों द्वारा पर्यटकों से मनमाना किराया लेने पर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने प्रदेश प्रशासन को फटकार लगाई है। साथ ही कहा कि प्रशासन टैक्सी चालकों पर नकेल कसने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। हाईकोर्ट ने पहलगाम व पहलगाम से विभिन्न पर्यटन स्थलों के लिए टैक्सी किराया निर्धारित करने का आदेश देते हुए कहा कि प्रशासन सुनिश्चित करे कि पर्यटकों से तय किराया अधिक से ना लिया जाए, पहलगाम में किसी तरह की ट्रैफिक समस्या भी ना हो। देशभर के ज्यादातर राज्यों में जारी भीषण गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तेज गर्मी और लू की समस्या जानलेवा दुष्प्रभावों का कारण बन रही है। हीट स्ट्रोक और गर्मी के कारण होने वाले दुष्प्रभावों के अब तक हजारों लोग शिकार हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इस साल 1 मार्च से 18 जून के बीच भीषण गर्मी के कारण कम से कम 110 लोगों की मौत हुई है और 41,000 से ज्यादा लोगों को हीट स्ट्रोक का संदेह है। जम्मू कश्मीर में मॉनसून सामान्य तौर पर 30 जून के आसपास पहुंचता है। इस बार पहले अंदेशा जताया जा रहा था कि मानसून समय से पहले दस्तक दे सकता है, लेकिन बदले मौसम के मिजाज के चलते मॉनसून के आने में हल्की देरी हो सकती है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में जुलाई के पहले सप्ताह में मानसून दाखिल हो सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार आगामी 25 जून तक कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है, लेकिन जम्मू संभाग के मैदानी इलाकों में अगले 5 दिन में लू का प्रभाव भी जारी रहेगा। रामगढ़ सेक्टर के रंगपुर गांव में बॉर्डर किसान यूनियन के सदस्यों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान यूनियन के प्रधान मोहन सिंह भट्टी ने बिजली कटौती पर नाराजगी जताई और कहा कि इतनी गर्मी में हो रही बिजली की कटौती से लोग परेशान हैं। उन्होंने मांग की कि रामगढ़ पावर हाउस स्टेशन को अपग्रेड किया जाए ताकि उन्हें सुचारू बिजली की आपूर्ति मिल सके। इस दौरान उन्होंने पानी की भी सुचारू आपूर्ति की मांग की।
हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पंचबख्तर मंदिर जम्मू से सुध महादेव के लिए छड़ी यात्रा निकाली जाएगी। इस बात की जानकारी सुध महादेव छड़ी यात्रा समिति द्वारा दी गई। इस दौरान बताया गया कि 21 जून को पंचबख्तर मंदिर में छड़ी पूजन किया जाएगा, जिसके बाद 22 जून को छड़ी यात्रा सुध महादेव के लिए रवाना होगी। आयोजकों ने बताया कि यात्रा का कई जगह पर स्वागत होगा, जिसके बाद यात्रा बाबा के दरबार पहुंचेगी। समिति के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर श्रद्धालुओं से यात्रा में सम्मिलित होने की अपील की।